एकलव्य विद्या संकुल करते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट्स में हमने सीखा था नंबर काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20। तो एक बार हम सारे नंबर काउंटिंग को 1 से लेकर के 20 तक सारे नंबर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमने क्या सीखा था, दैट वॉज 1। 1 की क्या स्पेलिंग है, O-N-E, 1। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने सारे नंबर्स को लिख दिया है फ्रॉम 1 to 20 और उनके स्पेलिंग्स भी मैंने यहां पर लिख दिए हैं, तो आप यहां पर उनको पढ़ सकते हो। तो 1 का क्या मतलब है, सिंपली 1 1। जैसे अगर मेरे पास एक ही स्टिक है तो हम उससे कोई 10 का ग्रुप बना नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे, 1 1। सिमिलरली नेक्स्ट इज 2। सो वी नो 1 + 1 = 2 एंड 2 की स्पेलिंग है TWO। और 2 को हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ दो ही स्टिक है या दो ऑब्जेक्ट्स है तो हम क्या कहेंगे, 2 1s। सिमिलरली नेक्स्ट इज 3 एंड 3 इज 3 1s। देन 4 4 इज 4 1s। नेक्स्ट 5 एंड 5 इज 5 1s। नेक्स्ट 6 एंड 6 इज सिंपली 6 1s। मतलब जब मैं 6 बोलू तो आप समझना इट इज इक्वल टू 6 1s। नेक्स्ट इज 7। 7 का मतलब है 7 1s। 8, 8 means 8 1s। 9, so 9 means 9 1s। And then is 10। तो 10 का मतलब है 110। तो 10 का मतलब है 110। 110 का मतलब क्या, एक ऐसा ग्रुप या बंडल जहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 10 ऑब्जेक्ट्स है मतलब क्या हुआ, हर एक ऑब्जेक्ट 1 1 के बराबर होता है, तो 10 ऑब्जेक्ट्स 10 1s के बराबर होंगे। तो जब हमारे पास 10 1s हो तो दैट सिंपली मींस 110। नेक्स्ट इज 11। तो 11 में क्या होता है, इट इज इक्वल टू प्रीवियस पार्ट्स में हमने पढ़ा था 110 एंड 1 1। सिमिलरली नेक्स्ट इज 12 एंड 12 इज इक्वल टू 110 एंड 2 1s। नेक्स्ट इज 13। 13 इज इक्वल टू 110 एंड 3 1s। नेक्स्ट 14 एंड 14 इज इक्वल टू 110 एंड 4 1s। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये चीजें समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे 14 इज इक्वल टू 110 एंड 4 1s। नेक्स्ट इज 15। 15 इज इक्वल टू 110 एंड 5 1s। 16 इज इक्वल टू 110 एंड 6 1s। नेक्स्ट 17। So 17 is equal to 110 and 7 1s. 18. 18 is equal to 110 and 8 1s. Next is 19. 19 is equal to 110 and 9 1s. And then it is 20. 20 का क्या मतलब है, हमने previous parts में भी सीखा था, 20 is equal to 2 10s. और 20 को हम इस तरह से लिखते हैं, 2 followed by 0. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइन इन ऑर्डर। तो हमें इन नंबर्स को ऑर्डर में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे, विथ नंबर 1। तो अब आप बताओ 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इस तरह से हम इन नंबर्स को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसे करने में आप मेरी मदद करो। आप बताओ मैं क्या करूँ, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करूंगा और फिर नेक्स्ट कहाँ जाऊंगा, क्या 1 से मैं यहां इसे ज्वाइन कर दूं, क्या 1 के बाद 7 आता है? आंसर इज नो। तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो मैं 1 से 2 को ज्वाइन करूंगा। नेक्स्ट क्या करूं, 2 के बाद क्या आता है, 3। 3 के बाद क्या आता है, 4। उसके बाद 5। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या आता है, 6 7 8। 8 के बाद क्या आता है, 9। उसके बाद 10। उसके बाद 11। 11 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, आफ्टर 11 कम्स 12। नेक्स्ट 12 के बाद आता है 13। उसके बाद 14, 15, 16, 17। 17 के बाद आता है 18। 18 के बाद 19 और 19 के बाद फाइनली 20।
एक बार हम फिर से वन से नंबर को काउंट करते हैं फ्रॉम 1 to 20. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो ये हो गया हमारा ड्राइंग कंप्लीट. तो ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? दिस इज नंबर 5. और मैंने आपको यहां पर अभी बताया था 5 इज इक्वल टू 5 वंस. सो दिस इज नंबर 5. नेक्स्ट इज राइट द मिसिंग नंबर्स. तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें मिसिंग नंबर्स को लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? तो आप देख सकते हो यहां पर 10 है. नेक्स्ट यहां पर एक मिसिंग ब्लैंक है जहां पर हमें नंबर्स लिखना है. नेक्स्ट इज 12. नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? तो आप काउंटिंग करके डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर इस चार्ट को देख करके भी हम यहां पर पता कर सकते हैं. तो यहां पर आप देख सकते हो 10 के बाद क्या आता है? 11. 11 के बाद 12. 12 के बाद 13. उसके बाद 14. तो यहां से भी हम देख के लिख सकते हैं. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 10 के बाद क्या आता है? 11. सो 11 को हम कैसे लिखते हैं? 1 फॉलोड बाय 1. दिस इज 11. 11 के बाद आता है 12. 12 के बाद आता है 13. 13 इज 1 फॉलोड बाय 3. सो दिस इज 13. नेक्स्ट इज 14. 14 इज 1 फॉलोड बाय 4. सो 14. नेक्स्ट इज 15. उसके बाद आएगा 16. 16 इज 1 फॉलोड बाय 6. नेक्स्ट इज 17. सो इट इज 1 फॉलोड बाय 7. नेक्स्ट यहां पर मैं क्या लिखूं? तो इस चार्ट को देख करके आप बताओ 17 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 17 के बाद आता है 18. सो 18 इज 1 फॉलोड बाय 8. तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 फॉलोड बाय 8. 18 के बाद क्या आता है? इट इज 19. सो 19 इज 1 फॉलोड बाय 9. और 19 के बाद क्या आता है? इट इज 20. 20 इज 2 फॉलोड बाय 0. अब आप इस चार्ट को देख करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो. जैसे यहां पर है 16, उसके बाद है एक डैश, उसके बाद 18, मतलब यहां पर हमें नंबर फिल करना है. तो आप बताओ 16 के बाद क्या आता है या 18 से पहले क्या आता है? तो आप इस चार्ट को देखो और आप मुझे बताओ 16 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? कौन सा नंबर है? इट इज 17. तो यहां से आप देख सकते हो 16 के बाद आता है 17 और 17 के बाद आता है 18. तो 18 से पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स? अगर 17 के बाद आता है 18, तो 18 से पहले क्या आता है? 17. तो यहां पर भी आप देखो 18 से पहले है 17. नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 13, उसके बाद है एक डैश, उसके बाद है 15. तो यहां पर बताओ क्या आंसर होगा? यहां पर मैं क्या लिखूं? तो यहां पर देखो 13 के बाद क्या आता है? दैट इज 14. और ये भी देखो 15 से पहले क्या आता है? तो 15 से पहले भी आता है 14. तो यहां पर मैं लिखूंगा 14. नेक्स्ट इज व्हाट कम्स आफ्टर 18, मतलब 18 के बाद क्या आता है? तो यहां पर दो ब्लैंक्स है, मतलब हमें दो नंबर्स लिखने हैं. तो पहले सबसे पहले यहां पर आप देखो 18 यहां पर है. 18 के बाद कौन सा नंबर है? इट इज 19. 18 के बाद हम लिखेंगे यहां पर 19. नेक्स्ट आप देखो यहां पर मैं क्या लिखूं? तो 19 यहां पर है. तो यहां पर आप क्या लिखोगे? वो नंबर जो 19 के बाद आता है. तो यहां से आप देखो 19 के बाद कौन सा नंबर है? दैट इज 20. तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स ये है कि 20 19 के बाद आता है, तो क्या 20 18 के बाद आता है? यस और नो? आंसर इज यस, क्योंकि 20 19 के बाद आता है और 19 18 के बाद आता है. तो इसीलिए डायरेक्टली 20 18 के बाद आता है. यहां से भी आप देख सकते हो 18 यहीं पर है और 20 यहां पर है. और आप देख सकते हो 20 जो यहां पर है वो 18 के कितने बाद आता है. तो इसीलिए 20 भी 18 के बाद आता है. नेक्स्ट इज व्हाट कम्स आफ्टर 14, मतलब 14 के बाद क्या आता है? तो यहां पर देखो 14 कहां पर है? यहां पर है. तो 14 के बाद कौन सा नंबर है? 15. तो यहां पर हम लिखेंगे
15, और यहां पर एक और ब्लैंक है, मतलब एक और नंबर हमें लिखना है। तो यहां पर देखो 15 के बाद कौन सा नंबर है, दैट इज 16। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, 16। तो यहां से हम देख सकते हैं 14 के बाद आता है 15, 15 के बाद आता है 16। मेरा क्वेश्चन ये है कि 16 15 के बाद आता है, क्या 16 14 के बाद आता है? आंसर इज यस। आप डायरेक्टली यहीं पर देख सकते हो 14 यहां पर है, उसके बाद आया 15 और फिर उसके बाद आया 16। तो 16 ऑब्वियसली 14 के बाद आता है। नेक्स्ट इज व्हाट कम्स बिफोर 16, मतलब 16 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देखो 16, उसके बाद आता है 17। तो 16 से पहले क्या आता है, इट इज 15। तो हम काउंटिंग करते हैं ना, 15 16 17। तो यहां पर चार्ट में भी हम देख सकते हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट कम्स बिफोर 16। बिफोर का मतलब पहले, तो 16 से पहले क्या आता है, तो 16 यहां पर है, इससे पहले आप यहां पर देखो कौन सा नंबर है, दैट इज 15। तो यहां पर हम लिखेंगे 15, 15 इज 1 फॉलोड बाय 5। नेक्स्ट इज राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 9। उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हो 15 16 से पहले आता है और 16 17 से पहले आता है। तो आप मुझे बताओ क्या 15 17 से पहले आता है? आंसर इज यस, 15 17 से पहले आता है। यहां पर भी आप देख सकते हो 17 यहां पर है और 15 यहां पर है, मतलब 15 17 से पहले आता है। नेक्स्ट इज राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 9। 9 से पहले कौन सा नंबर आता है और 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? अब डायरेक्टली काउंटिंग करके लिख सकते हो या यहां पर इस चार्ट को देख के लिख सकते हो। तो 9 कहां पर है, तो यहां इस चार्ट में 9 नहीं है, तो इस चार्ट में हम देखते हैं। तो 9 से पहले कौन सा नंबर है और 9 के बाद कौन सा नंबर है? तो यहां पर आप देखो 9 यहां पर है, उससे पहले है 8 और 9 के बाद है 10। तो यहां पर हम लिखेंगे व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 9। सो व्हाट कम्स बिफोर 9, इट इज 8, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 9, इट इज 10। आप काउंटिंग करके भी चेक कर सकते हो। हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर है 9, इससे पहले आप देखो कौन क्या है, इससे पहले है 8 और फिर 9 के बाद क्या है, तो 9 के बाद है 10। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आप प्लीज कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। तो जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसी को यूज करके, इसी चार्ट को यूज करके या काउंटिंग के सहारे आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन है राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 18। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। तो 18 के पहले कौन सा नंबर आता है उसको आप यहां पर लिखो और 18 के बाद कौन सा नंबर आता है उसको यहां पर लिखो। इसको कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। ठीक यहां पर भी उन्होंने लिखा है क्या, राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 10। तो 10 से पहले कौन सा नंबर आता है उसको यहां पर लिखो, 10 के बाद कौन सा नंबर आता है उसको यहां पर लिखो और इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज